ये तुम्हारे ड्रेसेस और तुम्हारे शूज। थैंक यू फातिमा, नो प्रॉब्लम। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी फातिमा? जरूरत तो कोई नहीं थी, मेरा दिल किया मैं ले आई। क्या हो गया? चलो शाबाश, इनको अपने कमरे में ले जाओ। जी। और क्या तुम्हारे लिए? अच्छा लगा? अच्छा है। तुम इतनी बेजार क्यों? अच्छा शरीफा से को खाना ही लगा दे, सच्ची बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे घर आके ना मैं इतना कंफर्टेबल हो जाती हूँ। हानिया, क्या परेशानी है बताओ, तुम्हें देख के पता चल रहा है। फातिमा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। मतलब माहौल इतना अजीब सा है, और स्पेशली मेरे बॉस। तुम्हारे बॉस? फिर कुछ हुआ है क्या? कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, पर फिर माफी भी मांगी, मिस हानिया से बेटी कह के मुखातिब हो रहे थे। फिर तो लगता है तुम्हारे बॉस काबिले रहम हैं। He doesn't seem that bad. क्या पता उन्हें कोई अपने इश्यूज हो। कुछ लोग ज़हनी कश्मकश का शिकार रहते हैं, फिर उनकी पर्सनालिटी भी टूटी फूटी रहती है, जैसे मैं। फातिमा, सही कह रही हूँ मैं? तुम अपने बॉस की ना इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करो, उनके साथ अपना एटीट्यूड चेंज करो। अगर उन्होंने तुम्हें बेटी कहा है तो उनके साथ बेटी की तरह हमदर्दाना रवैया रखो, क्या पता चीज़ें बेहतर हो जाए। सही कह रही हूँ, पर मुझे डर भी लगता है कि कहीं मेरी हमदर्दी का वो गलत मतलब ना निकाले। अल्लाह ना करे ऐसा हो, इस तरह मत सोचो ना, थिंक पॉजिटिव, अच्छा होगा। हाँ, मैं शरीफा भी सिखाने का कहती हूँ, तो मुझे भी लगती। वलीद, आप कब आए? आप ठीक हैं? पता नहीं मैं जिंदगी में कभी अपनी फातिमा को देख भी पाऊंगा या नहीं। अल्लाह से उम्मीद रखे, क्यों नहीं? इसी उम्मीद ने तो मुझे दीवाना बना रखा। तेरे के पीछे मुझे मेरी फातिमा ही नजर आती। आप मायूस ना, बहुत बुरा किया है अशमत भाई ने मेरे साथ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बुरा तो उसकी माँ ने किया, फूल जैसी बच्ची को फेंक के चली गई। आप प्लीज जाएं यहां से। मेरा क्या कसूर है वलीद? जब भी आप डिस्टर्ब होते हैं तो मेरा सुकून छीन जाता है। वो आपके सुकून और चैन के लिए अपने जख्मों से उठती हुई सिसकियों को बर्दाश्त करो, आप ही ना भरो, क्या करो?